मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना ज़रूर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो यहाँ पे मैं बनाना स्टार्ट कर दी हूँ खाना। तो यहाँ पे ये नाश्ता नहीं बना रही हूँ। तो मेरे जो खेत है उसमें मटर हो गया है। तो मम्मी ने कहा कि निमोना हमने बहुत बार खाया है, आज तुम खेत का तोड़ के लाए हैं, तो इसका आज भरवी पूड़ी बना दो। तो मैं इसकी कचौरी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उबाल के नहीं बना रही हूँ आज, मैं इसे ऐसे ही छौंक के बना रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। कभी आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से हरा मटर रात में ही छील लेते हैं मम्मी और मैं मिलके। तो यहाँ पे मैंने इसमें आलू भी मिक्स किया है। तो आलू जैसे हम मैश करते हैं उसी तरीके से मैंने मटर को मैश कर लिया। यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई भी गर्म हो गई है, तेल डाल देते हैं, तेल भी हमारा गर्म हो गया। तो चलिए फिर कचौरी छानना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा की फरमाइश थी कि आज बना दो भरवी कचौड़ी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वैसे भी कुछ ना कुछ तो बनाना ही रहता है। तो वो लोग जब बता देते हैं तो मुझे आसानी होती है, नहीं तो मुझे दोनों ही टाइम सोचना पड़ता है कि क्या बनेगा क्या बनेगा। क्योंकि मम्मी मेरे ही ऊपर छोड़ देती हैं कि तुम रसोई में रहती हो, तुम जो भी बनाओगी सभी खाएंगे। तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ मम्मी क्या बनेगा। तो आज मम्मी कह दिया कि खेतों में हुआ है हरा मटर, उसी की कचौरी बना दो। तो सुबह मैंने टिफ़िन दे दिया था बच्चे लोग को, वो लोग बच्चे लोग अपने स्कूल चले गए टिफ़िन लेके। वो लोग को रेडी करना, सारा काम करना, उसके बाद मतलब खाना बनाना, इतना टाइम हो जाता है कि मैं मतलब सोचती हूँ वीडियो लूँ कि मैं पहले खाना बना लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें करके मैं फटाफट छानने में लग गई थी। तो कोमल भी आ गई थी, वो भर भर के दे रही है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे छानते जा रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, क्योंकि टाइम हो चुका है अभी 12:30। मतलब इतना टाइम हो जाता है, मतलब सुबह उठने के बाद, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम करने के बाद, बच्चे लोग को रेडी करो, वो लोग का टिफ़िन दो, तो इसीलिए लेट हो जाता है मुझे।
खाने के बाद हम आगे चलते तो हम यहाँ पे देखो यहाँ पे खरगोश लोग इस तरीके से पहले पड़े हैं। ऐसा लग रहा है अभी ही गर्मी आ गई है और धूप बहुत तेज़ी लगती है, अब धूप अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे दिन भर ये लोग यहीं पे रहते हैं, सिर्फ शाम को मैं किचन में ले जाती हूँ। किचन में टॉयलेट की वजह से मतलब पूरी किचन मतलब बदबू करने लगती है, इसीलिए मैंने सोचा है ये लोग को अगर जब तक कोई नहीं लेगा तब तक मैं इन लोग को छत पे ही रखा करूँगी। तो दिन भर तो ये लोग छत पे ही रहते हैं, बस शाम के टाइम ले जाती हूँ नीचे, क्योंकि मम्मी कहती कहीं बिल्ली या बिल्ली आके खा जाएगी, तो इसीलिए यही डर के मारे हम लोग किचन में रखते हैं सिर्फ रात को ही, और वैसे कोई मिलेगा तो। और जहाँ तक लग रहा है इसकी मम्मी फिर से प्रेग्नेंट है, क्योंकि लग रहा है ये ज़्यादा खेलती कूदती नहीं है। पहली बार भी जब ये प्रेग्नेंट थी तो कुछ इसी तरीके से इसका रिएक्ट था कि खेलती नहीं थी, हरदम मतलब सोई रहती थी, हर वक्त इसको बस नींद ही लगी रहती थी। और बच्ची यहाँ से तो यहाँ पे हो गया है शाम, तो मैं दोपहर के बाद शाम को ही मिल रही हूँ आप लोग से। तो यहाँ था पता नहीं क्यों तबीयत जैसे ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा नहीं जान दी, थोड़ा बहुत तो मतलब मैं अपनी वीडियो ले लेती हूँ ताकि मैं आप लोग को अपनी रूटीन बता सकूँ कि तबीयत ना ठीक होने पर भी मैं छोटी मोटी वीडियो बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पर खाना नहीं बनाना था, मम्मी ने कह दिया कि खाना जैसे मैंने पूड़ी बनाया था जो कचौड़ी वो है, तो मैंने शाम का खाना नहीं बनाया। मम्मी ने कहा मत बनाओ और नाश्ता का दुकान नाश्ता कर लेते हैं, उस तरीके से पेट भर जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बर्तन आ गया था शाम का वो क्लीन करूँगी और पूरा किचन क्लीन करूँगी और खरगोश लोग के जो कपड़े हैं वो चेंज करूँगी और वो लोग को घास दे दूँगी। यही सारे काम मेरे शाम के हैं, और भी काम है लेकिन दिखा नहीं पाई। मम्मी फिर से छिम्मी लेके आई थी, मतलब हरा मटर लाई थी खेतों में से, तो वो हम दोनों ने बैठ के छीला। और फिर उसके बाद मैंने और जो कपड़े मतलब बच्चों लोग के थोड़े बहुत सीन खुल गए थे वो मैंने सिला। मतलब दिन भर की जो रूटीन है वो मैं पूरी नहीं शेयर कर पाती आप लोग से, थोड़े ही बहुत शेयर कर पाती हूँ, और अगर मैं शेयर करूँ तो मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। और इतना घर में काम रहता है कि वीडियो बनाने का मतलब टाइम नहीं रहता, या तो फटाफट काम करके मैं भी खाली हो जाऊँ। तो यहाँ पर शाम का बर्तन धो रही हूँ अभी।
साफ हो गया है, सारा बर्तन भी मैंने धो लिया है और खरगोश का कपड़ा भी क्लीन कर दिया, उन लोगों को खाना दे दिया है घास। तो इस ब्लॉग को हम यही पेंट करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तो लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी खाना नहीं दिया गया है, खाना मैं जारी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सुबह में पूड़ी बनाया था वो है, और फिर बच्चे लोग ने कह दिया था यहाँ पर चावल मम्मी भूज दो, तो यहाँ पे चावल को फ्राई कर दिया मैंने, चावल फ्राई हो गया है और सब्ज़ी भी है, तो इसलिए इतनी टाइम मम्मी ने कहा खाना मत बनाओ। तो यहाँ पे हम लोग ने हरा मटर को छील के रखा है सुबह के लिए। तो यहाँ पे मैंने बर्तन अभी नहीं लगाया है, ये लगाएंगे सुबह में। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पेंट कर देते हैं। गुड नाइट।